आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मैं हूं सैयद तहसीन अली। रैपिड एंटीजन टेस्ट लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद लगातार जांच जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर हर कोशिश की जा रही है कि जांच ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो भी संक्रमित रह गए हैं वो सामने आ पाए, पॉजिटिव केस सामने निकल कर आ पाए, ताकि उसका फिर उसी तरह इलाज हो पाए। इसी क्रम में आज पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को विदा किया है। ये वैन अब अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्रों के विभिन्न PHC में जाकर टेस्ट करेंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट के नाम से टेस्ट होगा, और त्वरित टेस्ट करने के बाद इससे जांच की प्रक्रिया जो है उसमें तेज़ी आएगी। और इस एंटीजन टेस्ट के मार्फत पिछले 10 दिनों से लगातार जो विभिन्न जिले के PHC हैं वहाँ पर ये काम किया जा रहा है, और इस 10 दिनों में तकरीबन रोज़ाना 2000 से अधिक टेस्ट जो है वो सामने आते हैं, और जो कोरोना के पॉजिटिव संक्रमित मरीज होते हैं वो भी बड़ी तादाद में बाहर निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में जिला पदाधिकारी ने इस रथ को रवाना करने के बाद निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के जो एक समिति का जो कार्य है उसको और बढ़ाने की कोशिश की है। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने ये भी कहा है कि जिस तरह से ANM को ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार उन लोगों को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और मैन पावर इससे बढ़ेगा, और जैसे मैन पावर बढ़ेगा और जांच की क्षमता भी वो बढ़ती जाएगी। देखिए जिलाधिकारी ने क्या कहा और क्या कुछ खास है इस रैपिड एंटीजन टेस्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी PHC में जो COVID-19 के संदर्भ में टेस्टिंग है वो पिछले 10 दिनों से वो चल रही है, उसी तरह से आज टाउन के चिन्हित अर्बन PHC में भी टेस्टिंग का कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जा रहा है कि जो प्रखंड स्तर में जो आसपास PHC के आसपास के 4-5 किलोमीटर के लोग हैं वही आ पा रहे थे टेस्टिंग के लिए, तो आज से हम लोगों ने रोस्टर बना के पंचायत वाइज भी टेस्टिंग के लिए गाड़ियों को रवाना किया है, जिसमें ट्रेंड जो हमारे LT हैं, ANM हैं, वो लोग हैं जहाँ जाकर वो रैपिड एंटीजन किट से टेस्टिंग करेंगे। सर, एंटीजन किट आने के बाद हमने देखा है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जो हर रोज़ जांच होती थी कितना बढ़ाया था ये मामला, हर रोज़ तकरीबन कितने हो रहे होंगे? अभी कल हम लोगों ने दिनांक 5 अगस्त को जिले में 2753 टेस्टिंग किया है, जिसमें से लगभग 2000 एंटीजन किट से किया गया है, और शेष RT-PCR और TrueNet से भी टेस्टिंग की जा रही है। इसको क्रमशः हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जितने भी लोग ऑन डिमांड ये टेस्टिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो सिम्टोमेटिक है उनका 100% हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं वो अगर किसी पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हैं उनकी भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। अर्बन PHC में अभी हम लोगों ने आज प्रथम चरण में माता स्थान, सिटी और माधोपुरा में वो शुरू करने के लिए आज निर्देशित किया है, और जो आज से शुरू हुआ है वहाँ पर, और बचे हुए अर्बन PHC में भी हम लोग अगले कुछ दिनों में वहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध। सर, आसपास के जिलों में देख रहे हैं कि कैंप के लगाकर मोहल्ले में टेस्ट वगैरह किया जा रहा है, क्या ऐसा कोई यहाँ भी इस्तेमाल किया जा रहा है? टेस्टिंग का रेंज बढ़ाया जाना है, इसलिए हम लोग पहले केवल सदर हॉस्पिटल में होता था, धीरे धीरे अनुमंडलीय अस्पतालों में और फिर PHC तक ले जाया गया है, अर्बन PHC में भी किया गया है, और आज जिन गाड़ियों को रवाना किया गया है वो PHC से जो दूर के क्षेत्र, जो दूर के पंचायत है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए ये रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग LTs की बहाली भी अभी हम लोग कर रहे हैं, ANM को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जैसे जैसे ट्रेंड मैन पावर हमारे पास होगा तो हम लोग आगे एडिशनल PHC तक भी जा सकते हैं। सर, फिलहाल आज की तारीख में कितने PHC में चल रहा है जांच? जिले के सभी PHC में ये एंटीजन की टेस्टिंग चल रही है, और TrueNet और RT-PCR से भी टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं।